झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से की है। दुमका के रामगढ़ प्रखंड के भूसकी बाड़ी मैदान में दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में खराब मौसम के बावजूद एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में हमारे पूर्वजों ने यहां की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान का बलिदान दिया है। कहा कि अंग्रेजों का दूसरा रूप लेकर बीजेपी वाले हमारे जल जंगल जमीन और यहाँ की खनिज संपदा पर नजर बनाए हुए हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि देवघर और दुमका एयरपोर्ट पर बड़े बड़े हवाई जहाज से केंद्र के बड़े बड़े मंत्री और दूसरे राज्य के सीएम आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को न तो झारखंड की भाषा कला संस्कृति का ज्ञान है और न ही हमारी जरूरतों और हमारे मुद्दों का ज्ञान है। ये लोग यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मौजूद जनता से 1 जून को पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में समर्थन मांगा है। इससे पूर्व मौसम खराब होने की वजह से सभास्थल में जमकर बारिश हुई। बारिश थमने के बाद कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से सभास्थल पहुंची। बाद में वो हेलीपैड के आसपास मौजूद जनता से मिली, उनका अभिवादन किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। इधर कल्पना सोरेन के अंग्रेजों का दूसरा रूप बीजेपी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल्पना सोरेन को इतिहास पढ़ना चाहिए और यह जानना चाहिए कि कांग्रेस के जनक कौन थे। कहा कि 1933-34 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज ही हुआ करते थे। अगर आज हम कहें कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का ही एक अवशेष है, एक ढांचा है और उस पार्टी के साथ वे लोग हैं और वहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि कल्पना सोरेन को इतिहास पढ़ना चाहिए और उनके सिपाह सलाहकार को उन लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब कब अंग्रेज विदेशी रहे हैं। कहा कि बीजेपी विशुद्ध रूप से भारतीय विचारधारा से ओतप्रोत है और यह दुनिया जानती है। अरे उनसे आप सब लोग पूछते हैं जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस पार्टी के जनक कौन थे? एक अंग्रेज थे। अगर हम गलत नहीं हो तो 1933-34 तक तो शायद कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज ही हुआ करते थे।
तो अगर आज हम कहें कि कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों का ही एक अवशेष है, एक ढांचा है, और उस पार्टी के साथ वो लोग हैं और वो बीजेपी को कह रहे हैं। बीजेपी जो पहले जनसंघ की स्थापना हुई तो भारत की धरती पर और भारत के हमारे नेताओं ने किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे असंख्य हमारे लोग थे। भारतीय विचारधारा से जो ओत प्रोत संगठन जिसको कहते हैं भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीयों का वो प्रतिनिधित्व करती है। और इसीलिए गांधी जी ने जब देश स्वतंत्र हुआ तो कहा था कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी इसका विघटन कर देना चाहिए, लेकिन वो लोग तो आज भी उसी को ढो रहे हैं। तो हमें लगता है कल्पना सोरेन को शायद इतिहास की वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं इस प्रकार की। तो इसलिए हम कहेंगे कि कल्पना सोरेन को इतिहास पढ़ना चाहिए, या उनके और सिपहसालार लोग हैं उन लोगों को उनको बताना चाहिए कि उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब से कब तक कौन कौन अंग्रेज रहे हैं, विदेशी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो विशुद्ध रूप से भारतीय विचारधारा से ओत प्रोत और भारतीयों का ही एक पार्टी है, ये दुनिया इस बात को जानती है। बता दें कि दुमका लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम ने नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। नलिन सोरेन पिछले 35 सालों से शिकारीपाड़ा विधानसभा से पार्टी विधायक हैं, वहीं बीजेपी ने सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। सीता सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधु हैं और हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी हैं, और हाल ही में जेएमएम से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई थी। दुमका लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है।